नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं SM News। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उधम सिंह के माता पिता ने अपनी जन्मभूमि क्यों छोड़ी थी। बात है उस समय की, 1880 के दशक की, जब पटियाला छोड़कर जो लोग पंजाब प्रांत में कमाने के लिए गए थे वो पुनः फिर से अपने पटियाला गांव में अपने परिवार से मिलने के लिए आए थे। तब चुवड़ राम और उसकी पत्नी नारायणी ने फिर से उन लोगों से बात की। तब ये चुवड़ राम समझ चुके थे कि वह इस प्रांत में रहके, पटियाला में रहकर वो उनको भरपेट खाना नहीं मिल सकता, इसलिए वो अपना पटियाला गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तब उन पंजाब प्रांत से आए परिवारों से उन्होंने प्रार्थना की कि इस बार उनको भी वह साथ लेकर पंजाब चले, उनको भी वहाँ पर काम लगवा दें, वो भी काम करना चाहते हैं। उन लोगों ने उनको साथ ले जाने के लिए हामी भर दी। अगले ही दिन जब वो लोग वापस पंजाब प्रांत के लिए तैयारी कर रहे थे, तब चुवड़ राम और उसकी पत्नी नारायणी भी अपने सामान को पैक करके पंजाब प्रांत जाने के लिए तैयारी करने लगी। वो पल, वो क्षण उनके लिए बहुत ही दर्द भरा था। उनको रात भर नींद तक नहीं आई और सारी रात कैसे गुजर गई उनको पता नहीं चला। जब दूसरे परिवार के लोग पंजाब प्रांत जाने के लिए निकल रहे थे, तब चुवड़ राम और नायडी भी अपना सामान लेके, अपने सामान की पोटली बक्से को लेकर, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर और अपने पूर्वजों की दहेली को चूम कर अपने गाँव की पगडंडी पर निकल पड़े। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।